हेलो हेलो फ्रेंड, मैं सुनील यादव, सिविल इंजीनियर। फ्रेंड, मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कॉलम ना होने की वजह से कितना क्रेक आ गया था ब्रिक वर्क में। ये देख लो, नाला है, ये वही नाला है। साइड में ये देखो ब्लॉक वर्क हुआ है, ये ब्लॉक वर्क हुआ है। ये दोस्तों देखो, ब्लॉक वर्क हुआ है, कॉलम भी है और ग्राउंड बीम भी दिया हुआ है। देखो फ्रेंड, एक कॉलम है अपना, एक कॉलम होने की वजह से, कॉलम होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक वर्क में क्रेक नहीं आया है, नहीं तो कब का गिर चुका होता है, कब का यहाँ गिर चुका होता फ्रेंड। ये देख रहे हो, नीचे से मिट्टी मिट्टी सब खिसक गई है। देखो ये नीचे से मिट्टी सब खिसक गई है, मिट्टी बह गया है दोस्तों। ये बारिश जब होती है तो पूरा नाला भर जाता है। ये देखो मिट्टी पूरा घिसक चुका है। ये देखो दोस्तों, ये सिर्फ कॉलम की वजह से है, कॉलम की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो ये कभी का गिर चुका होता। आप देख रहे हो दोस्तों कि 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे कॉलम दिया गया है, 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे कॉलम दिया गया है। अगर यही कॉलम नहीं होता दोस्तों तो ये ब्लॉक वर्क कभी का टूट चुका होता, क्योंकि यहाँ जब बारिश आती है तो पूरा ये नाला भर जाता है। और इसकी वजह से देखो दोस्तों, ये मिट्टी भी बहा चुका है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी भी बहा चुका है, सिर्फ टिका है तो सिर्फ कॉलम की वजह से। देख सकते हो पूरा मिट्टी बहा चुका है। जब भी बारिश की टाइम आता है यहाँ पे तो पूरा नाला ये पूरा भर जाता है, आप देख सकते हो ये पूरा नाला भर चुका है। तो दोस्तों आप देख लिए कि जब भी आप नदी किनारे नाले के साइड में घर बनवाते हो तो आपको कॉलम देना बहुत ज़रूरी है। कॉलम रहेगा तो आपका घर स्ट्रॉन्ग रहेगा, टिका रहेगा, यानी तो मिट्टी घिसकने की वजह से, मिट्टी को घिसकने की वजह से आपका घर गिर सकता है। ये देख सकते हो, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पे अपन बात करेंगे। थैंक यू।